हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ONGC के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12th जुलाई 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ONGC में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 4.02% का पॉजिटिव मूव, 288.2 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है जुलाई 5th को। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाले, उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा हिंट आपको देंगे कि आपको इंट्राडे में जो किस तरह से यहाँ पे आपको जो किस साइड में जो आपको यहाँ पे पोजीशन जो है यहाँ पे ग्रैब करनी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा जाते हैं सबसे पहले वीकली के चार्ट पर, बात करते हैं यहाँ पे लास्ट वीक का यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस जो स्टॉक में किस तरह का देखने मिला है। तो ये रहा हमारा वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पर अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम जरूर देखने मिला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज बॉडी बनी है, दोनों के साइड में बारीक बारीक विक हमें देखने मिल रही है। RSMR आ चुका है 64-65 के आसपास, जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो डेली के चार्ट पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जो है आपको इंट्राडे में किस तरह की जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में ट्रेंड जो है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। जब भी स्टॉक जो सपोर्ट के साइड है तो वहां पे अगर बाइंग साइड की आपको अपॉर्चुनिटी देखे तो वहां पे आप जरूर जो उसको ग्रैब करें, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में हो जाएगा और वहां पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अभी मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है जरूर मार्क करके रख देता हूँ। तो फिलहाल जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर लें, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने यहाँ पे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर के साइड में थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जो है डेटा नहीं है तो इसके वजह से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइकोलॉजिकल नंबर। तो जो भी मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसे भी आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क कर ले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं होता तो साइकोलॉजिकल नंबर जो बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प करते हैं हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करने में। तो यहाँ पे मार्किंग अब हमारी हो चुकी है। क्लोजिंग की बात करते हो तो 288.2 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 284.57 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 289.1 का। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले इस वीक में तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 279 का, उसके बाद क्या था 273 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 295 का, उसके बाद क्या था 300 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो अपना यहाँ पे इस वीक का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन इस वीक के लिए अगर मैं कहूँ तो जरूर यहाँ पे नेगेटिव मूव का है। एज सच कोई बड़ा मूव तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूर नो ट्रेडिंग जोन में यानी कि 284.5 से लेके 289.1 के रेंज में हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग जो देखने मिल सके, यानी इस वीक में फ्राइडे तक जो इस रेंज में क्लोजिंग देखने मिल सकती है। सेलिंग का अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता स्टॉक और नीचे जा सकता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओवरऑल एक नेगेटिव क्लोजिंग मैं इस रेंज में फिलहाल जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।